जा रहे हैं सांचू बॉर्डर पे, विच इज अराउंड 180 किलोमीटर अवे फ्रॉम बीकानेर एंड ऑलमोस्ट मे बी 850 किलोमीटर अवे फ्रॉम आर होम। वहाँ बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, शेयर करेंगे आपके साथ, एक सुंदर सा ब्लॉग बनाएंगे। डीआईजी राठौर सर से हमारी मुलाकात हुई बीकानेर में, वो हमारा यूट्यूब चैनल भी देखते थे और उनको बहुत पसंद था, तो उन्होंने हमको एक फॉर्मल इनविटेशन दिया, एक वीडियो कॉल पर उनकी हमारी बात हुई और एंड ही वाज वेरी काइंड और उन्होंने हमें इनवाइट किया सांचू बॉर्डर विजिट करने के लिए। जय हिंद सर, हाउ आर यू राहुल? ओ गुड सर, गुड, ग्रेट सर, आप सुनाइए। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, जो अभी इवेंट हुआ था ऑफ रोडिंग का बीकानेर में। हाँ जी और सर, जब मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप हमारे बॉर्डर सांचू पे आए, सांचू बॉर्डर जो है एक हिस्टोरिकल बॉर्डर आउटपोस्ट है जिसके अंदर 1965 वॉर लड़ी गई थी, 71 वॉर भी लड़ी गई थी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, जैसा कि सबको पता है, इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आप वहां जाके देखेंगे, एक बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लोग तनोट जाते हैं लेकिन यहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि बॉर्डर कितना डिफिकल्ट टेरेन है जहाँ पे हमारे जवान लोग ड्यूटी करते हैं। आप वहाँ बॉर्डर जाइए और फिर आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने ये बीओपी को डेवलप किया एज ए सीमा दर्शन भारत सरकार के प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे आम पब्लिक को भी हमने वहाँ पे परमिशन दी है विजिट करने की। श्योर सर, श्योर सर, आई विल बी डिलाइटेड और मैं प्रोग्राम बनाता हूँ और आपको टाइमिंग इंटीमेट करता हूँ। ग्रेट, लेट द पीपल नो कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर ड्यूटी करती है और कितने अलर्ट और सजग है हमारे जवान। जय भारत। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू विजिट, मैं होके आता हूँ और आपको रिवर्ट भी करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, जय हिंद। लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट साइड में हमारे सैंड ड्यून्स हैं, ये बीच में रोड है और लेफ्ट में ग्रीनरी, खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पर। अब हम बॉर्डर से 65 किलोमीटर दूर है, फील आने लग गई है, डेजर्ट ड्यून्स, सैंड। सभी गेस्ट, हाँ जी सीधा चलना, इधर रात नहीं मिलता, मैं अभी चलता हूँ आगे। हाँ, कोर्स से होते हुए डीआईजी राठौर सर इज सच अ काइंड पर्सन, उन्होंने हमको एक कैडेट भेजा जो हमें गाइड करता हुआ, एस्कॉर्ट करता हुआ डायरेक्ट
टू द साचू बॉर्डर ले गए। बस थैंक यू, आगे चलेंगे। बन जाएगा ठंडा पानी? नहीं नहीं, फिर आएंगे। थैंक यू सो मच। आगे छोड़ देगा सर गाइड? यहाँ से अभी बॉर्डर पोस्ट कितना दूर है? अभी सर बॉर्डर पोस्ट ही पड़ेगा सर। कितना किलोमीटर होगा? ज्यादा नहीं सर, आधा किलोमीटर। थैंक यू। ये एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग है जो इंडियन गवर्नमेंट ने सारी अपने खर्चे पर अपनी सीमा पे अपने एरिया में करी है। जो एक्चुअल बॉर्डर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, वो इस फेंसिंग से 150 मीटर आगे है। चलो आपको सांचू पोस्ट की ऐतिहासिक स्टोरी बताते हैं जो हमें डीआईजी बीएसएफ से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है। दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव एंड ट्रू स्टोरी। ये जो सांचू बॉर्डर पोस्ट है, ये एक ऐतिहासिक पोस्ट है। यहाँ पर बीएसएफ ने सेना के साथ मिलकर 1965 व 1971 में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई तथा उन्हें पीठ दिखाकर भागने को मजबूर किया था। 1965 तक भारत के बॉर्डर पर संबंधित राज्यों को की पुलिस द्वारा चौकसी रखी जाती थी। इसी के अंतर्गत सांचू पोस्ट राजस्थान पुलिस की 3RAC जो कि बाद में 12 बटालियन बीएसएफ में तब्दील हुई की जिम्मेदारी के इलाके में आती थी। 3RAC की पोस्ट बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर पीछे रणजीतपुरा में थी। उस समय सांचू इस इलाके का एक विकसित गाँव था जहाँ की आबादी लगभग 500 से ज्यादा हुआ करती थी। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के सांचू गांव पर कब्जा कर लिया, जिसकी सूचना मिलने पर 3RAC द्वारा कंपनी कमांडर श्री श्याम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भारत सेना के 13 ग्रेनेडियर के जवानों के साथ सांचू पहुंचकर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया और पाकिस्तानी सेना को वहां से भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। पर पाकिस्तान इंडियन बीएसएफ की फोर्स को हल्के में लेने की गलती कर चुका था। वो भूल गया था कि 1948 और 1965 में इंडिया की सीमाएं जो थी हमारी, बॉर्डर्स की निगरानी राज्य पुलिस करती थी। और ये भूलकर पाकिस्तान ने 1971 में एक बार फिर इंडिया पे हमला करने की गलती करी। मगर अब यहां पर एक मजबूत व सशस्त्र बीएसएफ पोस्ट थी जो कि किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार बैठी थी। दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तानियों ने सांचू पोस्ट पर हमला किया तो बीएसएफ ने इस हमले को नाकाम करते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पाकिस्तानी पोस्ट रनिहाल पर भी फतह हासिल की। 1971 के भीषण युद्ध में बीएसएफ ने सांचू व रनिहाल को अपने कब्जे में रखते हुए भारतीय सेना को आगे बढ़ने में सहयोग दिया। फलस्वरूप भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी, ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के अंदर 65 किलोमीटर तक के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया।
ये जो साचू पोस्ट है ये एक्चुअली हिस्टोरिक पोस्ट है। ये मिट्टी गवाह है इस बात की, इसकी शौर्यपूर्ण इतिहास की, जो बताती है कि 1965 वो 1971 के युद्ध में कि कैसे हमारे 152 वीर योद्धाओं ने अपनी शहादत दी और इस देश की रक्षा करी। सरकारी की तरह मीटिंग रिट्रीट भी शुरू हुई है यहाँ? रिट्रीट नहीं हुई सर अभी। ओके। पर है कि आज भी मामला हमारी भारत सरकार मान गई इस चीज़ को। अच्छा। कि ठीक है राजस्थान में कहीं रिट्रीट करनी है तो शायद हम वो जल्द आगे अच्छे पॉइंट बनाया है जो बॉर्डर पर है। अच्छा जी सर, मैं नंबर 8604-3304 उप निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह, पोस्ट कमांडर BOP सांचू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दलेल सिंह जी ने हमें यहां इस पोस्ट की पूरी हिस्ट्री सुनाई। तो आप कसम से सर आए इधर, आप कसम से सर देखो जी, आप इतना कुछ करते हो हमारे देश के लिए, वो तो कर्जा कभी कोई चुका नहीं सकता। सौभाग्य है मेरा, बहुत सारी बॉर्डर देखा। मेरे अंकल थे वो भी IGBSF से। अच्छा, तो जम्मू बॉर्डर पे भी हम गए हैं, अटारी भी गए हैं, ठीक है ठीक है, जैसलमेर भी गए हैं जी, तनोट माता के मंदिर में, हाँ उस पोस्ट पे भी गए हैं, ऊपर आपका कारगिल भी गया हूँ, ले भी गया हूँ। मतलब खोला है खुद ही। मैं सर ये सोच रहा था कि मैं साहब आए हैं, ये गाड़ी पता नहीं कहाँ ये बजी है, बजाने के लिए लाते हैं इसलिए पहले हटा लेते हैं जो बज सकता है। और ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पोस्ट।
ये सर ये फेंस है हमारी, यहाँ से 150 मीटर जो आपको पिलर दिख रहा था, हाँ जी जो पिलर दिख रहा है वहाँ तक हमारी जमीन है। जो पिलर है पिलर का डिवाइडेशन हुआ है, पिलर से आगे पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। ये हमारे सामने सुल्तान का बेटा पोस्ट है, काउंटर पार्ट का पाकिस्तान का, और यहाँ से 30 किलोमीटर इनका सुल्तान का बेटा गांव है, और ये इनके बाएं हमारे पोस्ट है इनकी मस्जिद, वो यहाँ से 12 किलोमीटर रनिहाल गांव है, जो मैं आपको बता रहा था कि रनिहाल गांव है जहाँ पे हम जहाँ तक हमने कब्जा कर लिया था। हाँ, कब्जा 1971 पे। जी जी, इनके 12 किलोमीटर है वो यहाँ से, और यहाँ आबादी ना के बराबर है सर। तो 65 में यहाँ पर आए पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन करी थी यहाँ, घुसपैठ कर दिया, और 71 में नहीं, 71 में नहीं कर पाए, 71 में फिर हमने किया वहाँ जाकर। अच्छा, 71 में शायद जैसलमेर की जो वॉर चल रही थी वह ज्यादा मतलब ज्यादा जोर था उनका, लॉन्ग वॉर में लॉन्गे वॉर था, टर्न आउट हुआ था उधर से उनकी घुसने की, क्योंकि उन्होंने पूरी पेंडुलेशन पावर वहाँ लगा दी और वहाँ से घुस भी गए थे, तो उनको डेविएट करने के लिए हमने यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन। जी हाँ जी, ताकि उनका दिमाग उन्हें डाइवर्ट कर, और फिर हमने वो वाली पोस्ट पे कब्जा कर लिया, तो वो उनका भाग वो इधर आने लगे, वहाँ से हमने जी हाँ जी जी जी। चश्मे वालों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। जी जी, और ये फेंसिंग हमारी कौन से सन में हुई है? ये सर 1988 में हुई है। ओके। और ये सीधी चलेगी यहाँ पर हमारा कश्मीर में, जम्मू तक कश्मीर, और ये सर सीधी गुजरात, ये पूरी फेंसिंग जी गुजरात चलेगी समुद्र तक। आपके सामने गेट है, मैं वहाँ से घुसूंगा अपने ये चेक करते हुए, यहाँ से चेक करके फिर मेरा पॉइंट नीचे है, वहाँ से चेक करके फिर वो ट्रैक बना हुआ है आगे वाला, उसको भी चेक करूंगा ट्रैक। अकेले जाते हो आप? नहीं सर, चार आदमी जाएंगे साथ में, मतलब एक मैं होगा, दो मेरे साथ, तीन जवान होंगे साथ, तो ये चेक करना पड़ता है सर जनरल से पूछते उसको। ये सर ये फ्लैग है, मेरी अपनी गाड़ी आएगी तो ये कर देगा कि ठीक है अब जा सकते हैं, ये झंडा है इसको नहीं हम खड़ा करेंगे, ये अब सिर्फ पाकिस्तान से यदि बात करना होगा उसी टाइम हमने इसको झंडे को दिखाना होता है, तो ये झंडा लाएंगे तो देख लेंगे कि ये हमारे से इन्होंने कोई बातचीत करनी है कोई, या हमारे कोई डाक का कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह करना है, तो हम इस डाक को ये सॉरी फ्लैग को जब आप ये फ्लैग दिखाते हैं तो वहाँ से वो भी ऐसे ही दिखाते हैं? नहीं, उनके पास नीला होगा। ओके, वो नीला फ्लैग शो करेंगे, वो दिखाएंगे, तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर। अच्छा, जाना हमने कहाँ तक है? जीरो मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। अच्छा, जो पिलर है पिलर क्रॉस नहीं करेंगे, वहाँ पर जाकर के उनसे वो बता देंगे भाई इतने टाइम में आना, हमारा अफसर आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो हम वार्तालाप करेंगे। तो वो बात तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है बात आप लोगों की? हाँ बिल्कुल, कोई गर्मा शांति नहीं, गर्मा कोई नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बात होगी। हाँ, डाक देनी होगी तो भैया आपके कमांडेंट के लिए डाक है, वो उनके देनी हुई डाक तो उन्होंने हमारे को देनी, या कोई जैसे जानवर या कोई ऐसी बात होगी हो तो उसके संबंध में मैनेजमेंट के लिए गेट बनाया हुआ है, जैसे बाकी अपना पंजाब में राजस्थान में भी गंगानगर राजसिंहनगर में खेती होती है सर। ओके, जो मैंने आपको पिलर बताया मेन पिलर वहाँ तक खेती होती है, तो ये गेट मैनेजमेंट है, यहाँ पर पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर दिया जाता है, उसका वगैरह जो किसान कार्ड है उसको चेक करके, आधार कार्ड करके चेक करके, जो किसान का जो हमारे पास बायोडाटा है उसको चेक करके तभी हम उसको अंदर भेजते हैं प्रॉपरली, जो उसका कसी है ट्रैक्टर है ट्रैक्टर को पूरा चेक करके तब इस गेट के अंदर हम भेजते हैं, जब आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं एक गार्ड कमांडर होगा यहाँ, जो गढ़ कमांडर पूरा कागजी कार्रवाई करेगा, उसके बाद ही
किसी भी किसान को अंदर जाने देंगे। मैं अंदर जा रहा हूँ तो मेरे को पूरा, मेरा भी पूरा चेकिंग होगा, मेरा पूरा शाइन लेके तभी मैं हम अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास खेती नहीं है आगे, तो सुबह हम ZLP के लिए जाते हैं, सुबह चेक करते हैं, तो गार्ड कमांडर आएगा, मेरे साथ दो जवान होंगे, तब हम अंदर चेक करने जाएंगे और बॉर्डर चेक करके वैसे ही उसी प्रकार से। आप जिस गेट से जाते हैं अगले गेट तक घूम के वापस इसी गेट से आते हैं? हाँ जी, जितना मेरा एरिया इसको घूम करके मैंने दोबारा वापस इसी गेट से इन होना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1971 वॉर में हमारी इंडियन आर्मी और BSF यहाँ से 65 किलोमीटर तक अंदर चली गई थी और वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी जो रेंजर्स थे और आर्मी मैन कुछ को मार गिराया और कुछ भाग खड़े हुए थे। तो उनके जो आर्म्स और एम्यूनेशन है वो हमारी आर्मी ले आई थी और यहाँ पर एक वॉर म्यूजियम बना हुआ है, वो आपको दिखाते हैं आज। मैंने सर लोन लगा है ये DIG के मार्गदर्शन से, और जैसे उन्होंने बोला कि दिलीप सिंह, उन्होंने उन्हें वहाँ से भेजा घास, मैंने दो दिन में ये घास करीब लगा दिया। दूसरे दिन तो मेरे पास मोटर आ गई थी। अच्छा जी, मोटर और पाइप फुहारे वगैरह सब उनकी देन है ये, और उनके मार्गदर्शन से जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं आती। हम थोड़ा सा काम बोलते हैं तो जल्दी से बोलते हैं कि सांचू में चीज़ होनी चाहिए। ओके जी सर, तो आज देखो लोन उनकी वजह से अच्छा हुआ है, एलवेरा लगाया हुआ है, सरसों साग लगा हुआ है, सिर्फ उनकी देना है। और वो भी काफ़ी इसको महत्व देते प्रमोट करते हैं जी। हाँ जी, मतलब कहीं भी बॉर्डर में आएंगे तो पहले सांचू में वो आएंगे और नाइट स्टे यहीं करते हैं। अच्छा जी जी। ये BRP ये इंडिया का बना हुआ सर, ये GMSP ये जर्मन का बना हुआ सर पिस्टल, एयर पिस्टल है, ये RSP है ये भी जर्मन का बना हुआ था, ये 303 राइफल है यूनाइटेड किंगडम की बनी हुई है, और ये 303 राइफल इंडिया की बनी हुई है। ओके, ये 12 बोर हिंदुस्तान की बनी हुई है, ये एंटी एरोइड गन है ये इंडिया की बनी हुई है, ये कार्बन मशीन है जो कि जर्मन की बनी हुई है, बाकी ये G3 राइफल है, इसका रेंज बहुत है सर, 3700 मीटर रेंज है इसका। अच्छे, हम 800 मीटर रेंज से लड़ रहे थे, वो 3700 मीटर रेंज से लड़ रहे थे। अच्छे, हम कितने ये बात ये मेड इन पाकिस्तान, आज भी इनके पास ये राइफल, उनके जवान के पास ये राइफल है। अच्छे हाँ जी, अच्छी ये सर GMMR ब्रेटा इटली का बना हुआ है और बड़ी अच्छी गन है, RCC तोड़ने के लिए। ये सब वर्किंग कंडीशन में है? नहीं, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है सर, ये 2.2 इंच Mark III ब्रेटा राइफल है सर, ये भी जर्मन की बनी हुई है, और ये लाइट मशीन गन है। अच्छे हाँ जी, इसका कैपेसिटी मैगजीन कैपेसिटी 65 की है और एक मिनट में 400-450 राउंड और ये मोटर है ये इसके साथ। ये सर डिजर्ट, जिस इलाके में अभी हूँ मैं वो इलाका सर, ये डिजर्ट है पूरा राजस्थान, इसका जैसलमेर वाला सर है और ये रणकच का रास्ता सर एरिया है, ये कश्मीर का इलाका है पूरा सर, ये मिजोरम का इलाका है, त्रिपुरा, मणिपुर, शिलोंग, ये अंडमान निकोबार का है, ये इलाका दिखाई है जहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे हैं सर बॉर्डर। और ये अपना एयर विंग था सर 1969 में, उस टाइम इस्टेब्लिश किया गया था इसको, अभी तक हमारे पास तक एयर विंग सफरजंग में है। ओके जी, में अपने पोर्ट जितने भी एयर बसेज हैं, फाइटर हैं, हेलीकॉप्टर हैं, अपने पास हमारे पास मौजूद हैं जी।
कि एलएफसी गन असल हमारे पास पहले पीडीआर रखी थी जो गेट के बाहर कर रखी हुई है हमने पीडीआर, वो गन ये पीडीआर थी। अभी हमारे पास ये एलएफजी गन है जो कि 105 एमएम की गन, आरटी भी हमारे पास है अपनी है, करीब 6 रेजिमेंट है हमारे पास इस टाइम आरटी की गन है जी जी जी। और ये सर हमारा ये भी अपना वाटर बिल है जो कि 500 के लगभग हमारे पास ये फ्लोटिंग बीओपी है। ओके। और स्पीड बोट है सर जो कि अपना गुजरात में है, बॉर्डर सीमा को संभाल रहे हैं और बेंगलोर में सर। ये सर 1971 में जब ये ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो मानिक जनरल मानिक शाह जी और पांडे जी बाकी होम मिनिस्टर जनरल सेक्रेटरी और ये सर हमारे महावीर चक्रा श्री आर के बादवा जी, ये पहले 1971 में जिसको महावीर चक्र मिला था वो एक ही आदमी है सर। ओके। जी जी जी। श्री इंद्रजीत जी ऊपर उप कमांडेंट, वीर चक्र जोगिंदर सिंह जी कमांडेंट उप कमांडेंट हैं, ये सब 1971 के हैं सर। ये श्रीनगर में अपने श्री बीबी प्रोद जी कमांडेंट थे सर 1971 बटालियन में, काफ़ी श्रेणी काम था लिखा भी सर। और ये एजेंट डूबे थे जब गाजी बाबा जी को मारा था उन्होंने। बहुत ही मज़ा आया आज, बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला। मैं अपने व्यूअर्स से भी दरखास्त करना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी आर्मी कितनी मुस्तैद है और हमको सेफ रखने के लिए कितने एफर्ट्स डालती है तो एक बार सांचू बॉर्डर पे जरूर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।